वाराणसी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। बहराइच मामले में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी नजर बनाए हुए हैं। बहराइच में लगातार कार्यवाही जारी है। आज पीड़ित परिवार यानी जिसकी नृशंस हत्या हुई, उस युवक के माता पिता पत्नी के साथ महसी विधायक सुरेश्वर सिंह और भाजपा के पूर्व उपाध्यक्ष परशुराम कुशवाहा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनके आवास पर पहुंचकर अपनी आपबीती सुनाई। इस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कठोर कार्यवाही की बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि पीड़ित परिवार से कहा कि सरकार आपके साथ है और आपको पूरा न्याय मिलेगा। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए भाजपा के पूर्व उपाध्यक्ष परशुराम कुशवाहा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पूरी प्लानिंग के साथ घटना को अंजाम दिया गया है। विशेष समुदाय द्वारा मां की मूर्ति पर पथराव किया गया, तभी हिंदू युवा आक्रोशित हुए। पीड़ित परिवार माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि जो उनके साथ गलत किए हैं उनको पनिशमेंट मिलेगा, उनको सजा मिलेगी, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। और क्या कुछ सहायता भी दी जा रही है सरकार के द्वारा? बेशक सहायता दी जाएगी। पीड़ित परिवार मुलाकात करते समय कितने लोग मौजूद थे? 7 लोग मौजूद थे। कौन कौन? कोई जरूरी है नाम बताना क्या? नहीं, मतलब परिवार के लोग थे। परिवार के लोग थे, मैं था और पार्टी के और लोग थे। मुख्यमंत्री ने क्या कहा घटना के बारे में? क्या अपडेट अफसरों ने दी है? कहा जा रहा है अफसरों की भूमिका इसमें बहुत लापरवाही रही थी। नहीं, मैं तो वहीं का रहने वाला हूँ। अफसरों का किसी का भी लापरवाही नहीं था और निश्चित तौर पर उस पक्ष के लोगों ने लोगों के साथ गलत काम किया। प्रतिमाएं जो हमारी दुर्गा पूजा विसर्जन की जा रही थी शांति हुए में जा रही थी, उन लोगों ने निश्चित तौर पर मस्जिद के सामने से जब प्रतिमाएं क्रॉस कर रही थी तो मस्जिद के ऊपर से पथराव किया गया, जिससे कि दुर्गा जी का बांह टूट गया। हमारे जो कार्यकर्ता थे जो जुलूस के साथ जा रहे थे उस पर उत्तेजित होकर छत पर चढ़ गए और छत पर चढ़ने के बाद उन लोगों ने जो भी क्रिया किया, इसके बाद उस लड़के को घसीट कर ले जाकर मारने का काम किया। परिवार संतुष्ट है? पहले पथराव उन लोगों ने मुसलमानों के। ये बताइए, एक वीडियो वायरल हो रहा है कि हरा झंडा उतारा जा रहा है, रेलिंग तोड़ी जा रही है, उससे क्या कहेंगे? नहीं, हरा झंडा तो मैंने कहा ना कि जब मूर्ति क्षतिग्रस्त हो गई तो हमारे दुर्गा पूजा समिति के कुछ लड़के छत पर गए, उनने झंडा उतारा, इसमें कोई दोराय नहीं। जो वायरल हो रहा है पहले शुरुआत उनसे हुई, लेकिन शुरुआत उस पक्ष से। आगे क्या कार्रवाई? जो भी होगा बहराइच में अमन चैन बहाल की जाएगी। परिवार को लेकर क्या बात हुई मुख्यमंत्री जी से? मुख्यमंत्री जी ने पीड़ित परिवार से बात की, संवेदना व्यक्त की और संवेदना व्यक्त करने के साथ साथ 10 लाख रुपया पीड़ित परिवार से सहायता, मुख्यमंत्री आवास, अगर अंत्योदय कार्ड नहीं है तो अंत्योदय कार्ड और जो भी सुविधाएं हैं वो सब देने का आश्वासन और कड़ी से कड़ी कार्रवाई घटना करने का वादा किया। अब तक माहौल बिगाड़ने वाले पकड़े नहीं गए, लगातार पुलिस उनको पकड़ रही है। बहराइच का जो स्थिति अभी सामान्य नहीं हो पा रही है? नहीं, बहराइच की स्थिति आज बिल्कुल सामान्य है, एक भी घटना नहीं घटी है। कोई कह नहीं सकता कि बहराइच की स्थिति सामान्य नहीं है। उनके अंतिम संस्कार के बाद से लगातार सुधार आया और रात के बाद से शाम के बाद से कोई घटना नहीं घटी है बहराइच में। जिन्होंने गोली चलाई थी वो अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बहुत दूर है, पकड़ में नहीं है? अब उनका उचित इलाज होगा, उचित इलाज होगा। जब पकड़ में आएंगे तो उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पीड़ित परिवार कह रहा है कि इसमें कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की पूरी लापरवाही है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, पीड़ित परिवार तो हमारे साथ है, ऐसा अभी तक किसी ने कहा नहीं। घटना वाले दिन लापरवाही थी तो उनके सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। लगातार विपक्ष आरोप लगा रहा है, कहना कि कानून व्यवस्था मजबूत नहीं थी जिसके चलते इस तरह इतना बड़ा हादसा हुआ। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है तो इसके अतिरिक्त और कह क्या सकते हैं। लखनऊ से सी न्यूज संवाददाता गौरव श्रीवास्तव की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।